नमस्कार भाइयों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें दिखाएंगे हम आपको न्यू हॉलैंड 3630 टी एक्स प्लस का रिव्यू। ये देखिए, पहले मैं आपको छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा लगता है ट्रैक्टर। 55 हॉर्स पावर की कैटेगरी में ये ट्रैक्टर है। ये देखिए कितना प्यारा ट्रैक्टर है, बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्टर लगता है देखने में। एक बार मैं छोटा सा क्विक वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको। 16 और 28 के इसके पिछले टायर हैं और मैं आपको बिल्कुल एकदम रियल रिव्यू दूंगा इस ट्रैक्टर को। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, बहुत ही प्यारा, इस तरह से है कुछ इसका। तो मैं अब आपका परिचय कराऊंगा इसके मालिक से। इनके मालिक हैं हमारे साथ। मेरा नाम नितिन देसवाल है। अच्छा, मैं करीब करीब इसको 2 साल से चला रहा हूँ ट्रैक्टर को। अच्छा, मैंने हर चीज़ में चला के देखा है, रोटावेटर से लेके टिलर हैरो। अच्छा, कुछ चीज़ में आ जाए इसके सामने। अच्छा, कोई टक्कर नहीं है इसकी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। और ना ही इसका मुकाबला। अच्छा, आप किसी में ले लो, लोडिंग में ले लो। हाँ, या इसके मेंटेनेंस की बोलते हैं, मेंटेनेंस आई है। हाँ हाँ, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है मेंटेनेंस में। अच्छा हाँ। अच्छा, तो नितिन भाई, तो ट्रैक्टर के बारे में तो तुम्हें अच्छी जानकारी होगी, जब तुम बता रहे हो कि तुम्हें काफ़ी टाइम हो गया इस्तेमाल। इससे पहले भी ट्रैक्टर यूज़ करे होंगे तुमने? हाँ, पहला हमने यूज़ करा, करीब करीब 5 साल चलाया था वो। अच्छा, 5 साल चलाया। मतलब ये न्यू हॉलैंड का ही था? न्यू हॉलैंड का था। न्यू हॉलैंड का कौन सा था? वो था 3630 सुपर था। वो 3630 सुपर, सुपर मतलब 55 हॉर्स पावर में था या? ना ना, वो 50 में था, ये 55 में। अच्छा, वो 50 वाला था। हाँ हाँ। अच्छा, तो उसमें और इसमें तो ताकत का तो फर्क हो गई होगा। अच्छा, तो किसान भाइयों ये देखिए, और भी तो मैं डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले ट्रैक्टर बहुत प्यारा है, मेरी तो नज़र हट नहीं रही ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर का रिव्यू दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो नीचे उतर के आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, ये यहाँ पर बढ़िया आ रहा है, हवा चल रही है। हाँ, तो अब बताओ, तुमने रोटावेटर में इस्तेमाल करा ट्रैक्टर? हाँ, रोटावेटर में। तो कौन क्या फुट का रोटावेटर चला रहे हो? 7 फुट का रोटावेटर है, 10 मेस कंपनी का। 10 मेस का। अच्छा, रोटावेटर वैसे 8 फुट का लोगे तो ना ज़्यादा बढ़िया एवरेज आएगा। 7 फुट का एक तरह से ये है कि छोटा पड़ जाता है ट्रैक्टर के हिसाब से। ट्रैक्टर बड़ा ट्रैक्टर है तो बड़ा इंप्लीमेंट होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब तकरीबन आइडिया लगाया होगा, तो रोटावेटर में मतलब क्या डीजल का खर्च क्या आ जाता है? डीजल का कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे नॉर्मल ट्रैक्टर और लेते हैं ऐसा ही है। अच्छा, तकरीबन मान लो कि अगर रोटावेटर की सिंगल जुताई करते हैं 1 बीघा की, तो कितना तेल ले लेगा? 800 ग्राम बीघा मान के चलो। 800 ग्राम, तो ठीक है, तो तेल तो कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, जब और जैसे। हाँ, और हिसाब से जो ट्रैक्टर ले रहे हो। हाँ हाँ, उस हिसाब से ठीक है। तो मतलब ओवरऑल तबीयत खुश है ट्रैक्टर से? हाँ, ट्रैक्टर। अच्छा, तो किसान भाइयों, किसान ने देखो कितनी तारीफ करी है, ट्रैक्टर से बिल्कुल खुश हैं। न्यू हॉलैंड 3630। हाँ, जो पहला वाला ट्रैक्टर था जो हमारा, उसमें टर्बो नहीं था। अच्छा, इसमें टर्बो दिया हुआ है, ये 55 है। अच्छा, देख किसान भाई, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जो टर्बो दिया हुआ है, ये जो टर्बो, तो ये टर्बो का क्या एडवांटेज है, कोई दिखा नजर आया कि मतलब इसका क्या बेनिफिट है? टर्बो जो है ये ट्रैक्टर का पिकअप बढ़ाता है। अच्छा, ट्रैक्टर का पिकअप बढ़ाती है। अच्छा, तो ताकत बढ़िया लगाता होगा फिर तो ट्रैक्टर। ताकत अच्छी लगाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम किसकी खेती कर रहे हो फिर? हम आलू ज़्यादातर आलू करते हैं। हम ज़्यादातर आलू करते हो? हाँ। तो आलूओं को भर के तो ट्रॉला मतलब कितने ले जाता है फिर, कट्टे भर के ट्रॉला में? 250 पैकेट सर। अच्छा, उठता उठना तो नहीं है ज़्यादा? थोड़ा बहुत उठता है। थोड़ा बहुत तो खैर, हाँ, ट्रैक्टर उठ ही जाता है। हाँ, की लंबाई ठीक है ट्रैक्टर की। हाँ हाँ, उठता नहीं है ज़्यादा, उठता नहीं है और निकाल जाता है एकदम बिना फंसे फंसे। अच्छा, तो किसान भाइयों देखो, ये आलू की खेती करते हैं और मैं इनके खेत पर आया हुआ हूँ। ये है इनके धान, इन्होंने धान की भी खेती कर रखी है इस टाइम। ये देखिए कितने सुंदर खेत हैं इनके, बहुत बढ़िया किसान हैं। ये इनकी खेतीबाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए, तो नितिन भाई ट्रैक्टर से तबीयत पूरी खुश है एकदम? अच्छा, बढ़िया। अगर मान लो कि कोई किसान लेना चाह रहा हो इस ट्रैक्टर को, तो रिकमेंड करोगे कि लेने लायक है ट्रैक्टर, कोई घाटे का सौदा नहीं है? तो भाई मैं तो जरूर कहूँगा। अच्छा, हाँ, ट्रैक्टर अच्छा। मतलब अगर कोई लेना चाहे आँख बंद करके ले सकता है? बंद करके ले सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो किसान भाइयों देखो कितनी जबरदस्त तारीफ करी है ट्रैक्टर की। डेमो के लिए आए, वो मेरे संपर्क करे। अच्छा, मतलब डेमो के लिए आए, मैं हाँ, बोल रहा हूँ, मैं चला के दिखाऊँ, खुद चला के देखे खुद। अच्छा हाँ, तो किसान भाइयों सुना, खुला चैलेंज है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पेड रिव्यू है या फिर ऐसा कुछ है, ये किसान का बिल्कुल रिव्यू है। किसान ने जैसा तजुर्बा किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो इस वीडियो में हमने कवर करा है। ऐसा नहीं कि बस हमने ट्रैक्टर खड़ा कर लिया और सामने आ गया, आपने आप कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया। तो जो आप सीट को देख रहे हैं, उसको खूब 24 घंटे चलाइए। हाँ, लगातार कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे तो, आदमी छिल जाता है नीचे से। मतलब कहने का ये है कि कंफर्टेबल है, कितना भी लंबा चला लो ट्रैक्टर को, थकान नहीं होगी। ये वाला खुद लोगों दिया है कंपनी ने। हाँ, कंफर्ट अश्योर्ड सेफ्टी। हाँ,
कंपनी लोगों सेफ्टी के हिसाब से और कंफर्ट के हिसाब से ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने किसान को देखते हुए ये ट्रैक्टर बहुत अच्छा ट्रैक्टर बनाया किसानों के लिए। हर तरीके कोई भी इंप्लीमेंट मैनेज करना हो, कोई भी इंप्लीमेंट चलाना हो, रीपर वगैरह में भी काफ़ी सक्सेस ट्रैक्टर है, इन्होंने चला रखा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। डीजल की खपत को लेकर खासकर ये बहुत ज़्यादा खुश हैं कि डीजल की खपत जो है ट्रैक्टर की वाकई में बहुत कम है। तो किसान भाई, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी नितिन भाई धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। हाँ, थैंक यू सो मच। तो भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।